कोई नहीं दिया। इसका पार्ट मिस करेंगे और मेरा भी। वो देख क्या बना है, क्या बना है। And now, I would request our principal sir to come on the stage and speak a few words for us. पूरा वीडियो हो जाएगा सर, 25 GB। हमें को वेलकम स्पीच था। इस कार्यक्रम को करने की मुझे अनुमति और मैंने छात्रों को हमेशा ये कहा कोई भी कार्यक्रम करने से पहले शिक्षकों से सहयोग जरूरी है। शिक्षक मात्र शिक्षकों का मार्गदर्शन करें तो कार्यक्रम ज्यादा सफल होता है। आज हम छात्रों का विस्तार देखकर खुशी हो रही है कि हमारे छात्र क्षमता है सिर्फ उजागर करने का करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे हम भी छात्र जीवन में आ गए, छात्र जीवन में जब हम हमेशा हम लोग साथ अपने पुराने कॉलेज जीवन और छात्रों के ये छात्र कार्यक्रम इसी तरह होते रहे। हम लोग छात्रों का और हमारे शिक्षक इसको सहयोग करते रहे। जब हम यहाँ आए तो मुझे मालूम हुआ छात्रों के घोषणा का सिस्टम नहीं है, बैठने का कोई ये नहीं है। पहले छात्रों का जितना भी सिस्टम देख रहे हैं, मैंने हमारे जो शिक्षक सामने बैठे हमसे बोले कि किसी तरह आओ तो ये भी जाके एक काम करना है, हम करेंगे लेकिन छात्रों के लिए सुझाव प्रदान करेंगे। दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता था। हमारे पास साउंड सिस्टम नहीं था, हमारे पास बैठने कुर्सियां नहीं थी, दूसरे से मांगने पड़ता था। मुझे लगता था कि इतना बड़ा संस्थान होने के लिए हम बार बार मांगे तो ये लज्जा की बात। हम बोले सारे नियम कानून को अगर ताक पर भी रखना होगा तो मैं इस कार्यक्रम को करूंगा। मैं इसके लिए सरकारी लोगों को और बाकी हमारे साथ कोई भी कार्यक्रम करें तो मैं दूसरे के पास नहीं जाऊंगा। और मेरा दूसरा इसका ये था कि इसको मैं एसी इसके लगाओ यस सर, एकदम एसी लगना चाहिए। और अगर हम चाहे तो इसमें एसी जरूर लगेगा ताकि छात्र यस सर हम चाहे ये काम लगाओ कि छात्रों का पहला काम है अरे पढ़ाई करना। पहले अपने कॉलेज में ये मदर मदर जो पेरेंट्स हैं यहाँ उनको अपने पास
जेब के पैसा देते हैं, उनके बच्चे पढ़ाई करें। हमारा काम है छात्रों का कि वो अपना पढ़ाई पूरा पूरा मनोयोग से करें, पढ़ाई में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है उसमें भी बढ़कर के हिस्सा लें। मैं अपने शिक्षकों से भी कहता हूँ छात्र कोई भी कार्यक्रम करे तो उसमें छात्र को उत्साहित करें, नकारात्मक सोच छात्रों के प्रति नहीं रखें। अगर हम लोग ये हमारे देश के भविष्य है, हमारे समाज के भविष्य है, इनको अगर हम लोग सही रास्ता देंगे और सही रास्ता देने का काम शिक्षक ही करते हैं तो हम लोग हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि छात्र हमारे सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। अगर कोई छात्र इधर उधर कुछ करते हैं तो हम स्वाभाविक है उनको डांटते हैं, एज ए टीचर एज ए गार्जियन उनको डांटते भी हैं, समझाते भी हैं और सही दिशा पर चलने का ही करते हैं। आज यहाँ हम लोग ये देखकर बहुत खुशी होती है कि छात्र हमारे अनुशासन में रह के सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, कहीं किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है हमको। जब से हमें आया है तो शिकायत नहीं है, ये चीज देखने में बहुत खुशी होती है। उस आसमा को ही उतारता है, तक पहुंचने की उम्मीद में तो खुद में एक पल झांकता है। रोज बैठकर तू खिड़की में उस आसमा को ही उतारता है, फिर वहां तक पहुंचने की उम्मीद में तो खुद में एक पल झांकता है।
तेरी ख्वाहिशें हैं कि जो इतिहास बना सकती है, तेरी ख्वाहिशें हैं कि जो इतिहास बना सकती है, तेरे दुनिया छोड़ जाने के बाद भी तेरी तस्वीर लोगों के दिलों में बसा सकती है, छोड़ जाने के बाद भी तेरी तस्वीर लोगों के दिलों में बसा सकती है। फिर क्यों तू वो एक कदम लेने से डरता है? फिर क्यों तू वो एक कदम लेने से डरता है? क्यों जो दुनिया करती है वही तू करता है? फिर क्यों जो दुनिया करती है वही तू करता है? ख्वाब सजाने से कभी कोई आसियाना नहीं करता, ख्वाब सजाने से कभी कोई आसियाना नहीं मिलता, कर्म के बिना तेरे ख्वाहिशों को भी कोई ठिकाना नहीं मिलता, कर्म के बिना तेरे ख्वाहिशों को भी कोई ठिकाना नहीं मिलता। तो अपनी मंजिलों तक पहुंचने के लिए तू खुद को इस तरह तैयार कर, तो अपनी मंजिलों तक पहुंचने के लिए तू खुद को इस तरह तैयार कर कि तू निकलेगा उन्हें पार कर। तो हार के डर से तू कभी खुद को ही ना रोकना, दूर है तेरी मंजिलें, तुझे वहां है पहुंचना। हम कभी जीत नहीं सकते, दिल से हार का डर निकाले बिना हम कभी जीत नहीं सकते। और वैसे भी छत के नीचे खड़े रहकर हम बारिश में कभी भीग नहीं सकते, थैंक यू अमिता। एंड नाउ आई विल रिक्वेस्ट आवर प्रोफेसर उपाध्याय सर टू कम ऑन द स्टेज एंड से अ फ्यू वर्ड्स फॉर अस। आज बहुत ही खुशी का दिन है, आप लोगों ने मेरे साइंस वाली को लेकर पहली बार 20 साल में मेरे कोरोना वाली के आज का दिन जो फिक्स किया गया है तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो भी फिक्स हुआ मेरे लिए आभार मिल जाएगा। हमारे विश्वधार ने जो कहा सतोष भाव सब उन्होंने कही, लेकिन एक बात बहुत ही सही कही, हमारे साथ बहुत ही मैंने बड़े बड़े शिक्षण देखा है, छात्र इसलिए शिक्षण नहीं है जो क्योंकि प्रचार के पास कोई उसे जाने के पड़े कोई बात ना कोई पड़े हम लोग जो कर दिए सर के पास हम लोग जाने आने, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और उसी का नतीजा है कि आज हम लोग सब बैठ करके यहाँ पर अपनी मन की बात खुल करके कह पा रहे हैं, बेहिचक कह पा रहे हैं, निर्धारित कह पा रहे हैं। आप लोग जैसा सर ने कहा पढ़ाई लिखाई को प्रायोरिटी देते हुए ये अच्छा कार्यक्रम किया है, जिससे कि जो भी पढ़ाई लिखाई के साथ इसकी भी जरूरत पड़ती है। जब आप अभी